हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे पास होंडा ट्रिगर आई है और हमारे भाईजान आए हैं। हमारे भाईजान कहाँ से आए भाईजान, बताएं। भाईजान में आया हूँ गाजियाबाद से। गाड़ी से बहुत परेशान हूँ। तो इस बाइक की हालत इतनी ख़राब हो चुकी भाई, जैसे कि इसके अंदर इतनी बर्तन मिले, पुराने सारे बर्तन जीते इसी के अंदर है। आवाज़ सुनिए, बहुत ही खतरनाक आवाज़ आ रही है और इसका धुआं दिखा दो भाई। सारी चीज़ें कट चुके, तो भाई हम इसको खोलते हैं, आपको सारी वीडियो में पूरी जानकारी मिल देंगे। आप ट्रिगर खुल चुका है और इसके रॉकर की हालत देखो भाई, ये रॉकर पूरा जाम हो गया क्योंकि ऑयल ना आने की वजह से इसका रॉकर ख़राब हो गया। तो ये नया डालेंगे और इसके देखो भाई, किसने फिर दोबारा इसमें स्पार्क प्लग, देखो छोटी चुड़ी का लगा रखा है, इसमें लंबी चुड़ी के स्पार्क प्लग होते हैं। और इसका तो भाई सारा चीज़ें खुल ही रहा है, कलर चूलर सारी चीज़ें नए डालेंगे। और पिस्टन की हालत दिखा दें आपको, पिस्टन देखो पूरा सीज मार गया। तो इसके अंदर हम डालेंगे सिलेंडर किट, सबसे पहले करेंगे हम सफाई, उसके बाद इसको फाइनल करेंगे। तो गाइस, अभी मैंने इसका वाल खोला था, तो वाल की हालत देख सकते हो भाई, इतना ये फैल गया पूरा और ये इसका गाइड भी टूट गया। तो ये हालत हो चुकी है इस गाड़ी की, क्योंकि ऑयल की कमी से हुआ ये सारा कार्ड। तो अभी इसके जो है सफाई चल रही है तरीके से, हम डीजल से साफ़ करेंगे। पूरा इंजन हमें नया बनाना है बिल्कुल, ताकि भाई को मज़ा भी आ जाए जहाँ से आए हैं हमारे भाई। ये भाई भाई, तो गाइस हमने होंडा ट्रिगर का जो इंजन खोला था उसके क्रैंक में भी दिक्कत था, तो इसका हमने कनेक्टिंग रोड नया डाल दिया। इसके बेरिंग, दूसरा बेरिंग भी हमने डाल दिया, दोनों मेन बेरिंग डाला है, क्योंकि ये देखो ये बेरिंग रूलर वाला बेरिंग सबसे ज़्यादा ख़राब होता है और ये आवाज़ करता है। इसके कैम शाफ्ट ये ख़राब हो गया था, क्योंकि ये ऑयल की वजह से हुआ है, बाइक में ऑयल नहीं होने के कारण से कट गया। पिस्टन सीज मार गया, पिस्टन की हालत देख सकते हो। ये रहा रोकर, रोकर तो सबसे ज़्यादा ख़राब हुआ है, रोकर में कुछ बचा ही नहीं। और इसके जितने भी सामान है भाई, सारा मैंने ओरिजिनल होंडा का जेन में लगाया है, सारा ओरिजिनल माल। तो इसको हम फिट करते हैं। हमारी इंजन जो है फाइनली ओके हो चुका है, आधा इंजन बन चुका है। अब इसका हम बिठा रहे हैं रिंग, पिन जो है ऊपर होता है और इसका हम बना लेंगे एम, ये इनके ऊपर होगा। बहुत सारे भाइयों का कमेंट आता भाई रिंग के बारे में नहीं बताते, तो आज बता ही दूँ। हमारा चारों रिंग चारों स्ट्रेट में आएगा, स्ट्रेट जो है हमारा उसी के ऊपर आएगा। बहुत ही आसान है भाई, टॉप टू। टॉप टू इसमें आएगा, टॉप वन इसमें आएगा, ऑयल इधर आएगा इन में। और इसको हम कर रहे हैं फिट। इसमें जितने भी सामान है भाई, सारे हमने ओरिजिनल डाला, क्योंकि इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब था और इंजन में तो भाई जनरेटर वाली आवाज़ ही था, तो उसको हमें बिल्कुल ओके करना है। और इसकी आवाज़ तो आपको अभी हम सुना देंगे। लॉस सिलेंडर ऐसा होता नहीं है। ये सिलेंडर बिल्कुल बैठ गया है। और इसकी जो रोकर, हमने देखो रोकर भी ओरिजिनल लिया है भाई, ये सारे रोकर है, ये देखो रोकर के साथ ओरिजिनल चीज़ों के साथ, देखो भाई सारे एडजस्टेबल वगैरह सारे आते हैं। तो हम करते हैं इसको फिट। तो गाइस, असल में हमारा हेड हो गया तैयार, क्योंकि इसका जो गाइड वगैरह टूट गया था हमने नया डलवा दिया। और ये ईयर पाइप होता है ताकि इंजन की हीटिंग जो है वो निकल जाए सारा। तो ये हमारा जाम था, तो यहाँ पर वाल के पास ही होता है इसका सुराख, तो इसको खोलना ज़रूरी होता है। अगर ये जाम है तो इसको ज़रूर खोलें, अगर नहीं खोलोगे तो इससे बहुत सारी दिक्कतें आने वाला है, इंजन हीट ज़्यादा होगी और क्लच प्लेट भी इससे ज़्यादा फूकेगा।
तो गाइस हमारे पास होंडा ट्रिगर सुबह आई थी तो फाइनली ओके हो गई, इसको स्टार्ट कर दिया हमने। तो इसकी आवाज़ में सुनाता हूँ सबसे पहले भाई, इतनी स्मूथ हो गई इसकी आवाज़। सारा बंद हो चुका है और हमारे भाई लोग भाजन काम जैसा लगा। तो भाई का कहना है भाई काम बहुत अच्छा लगा। तो भाई मैं ये कहना चाहूँगा भाई, हमारी वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।